नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हमारा टारगेट है एसएससी जीडी, और एसएससी जीडी की जो 56,000 पोस्टें आ रही, इतनी बेहतरीन पोस्टें हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। इतना गोल्डन चांस बहुत बार कम मिलता है, और अगर इस गोल्डन चांस को दोस्तों अगर भुनाना है तो हमें आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि सफलता लेकर जाए, देकर जाए। ये नहीं है कि जो है आपको जो है मेहनत करें और सही गाइडेंस पे काम ना करें, और ऐसी मेहनत करें कि जो टुकड़ों में हो जाए। और अगर टुकड़ों में आपने मेहनत की तो फिर समझिए सफलता पाना मुश्किल हो जाता है। टुकड़ों का मतलब मेरा ये है कि कभी कभी आप लोगों की आत्मा जाग जाती है तो ऐसा पढ़ाई करोगे कि IAS अधिकारी बनकर ही दम लेगो, लेकिन जब आत्मा सो जाएगी तो पता चला डेढ़ डेढ़ महीने, एक एक महीने किताब ही नहीं उठाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ऐसी पढ़ाई मत करिए, आप रेगुलर पढ़ाई करिए, 4 से 5 घंटा रोज पढ़ाई करिए, वो पढ़ाई आपके ज़्यादा काम आएगी। और अगर आपके दिमाग में ये है कि जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे तो बेटा गलत सोच रहे हो, अभी से पढ़ाई शुरू करिए, कंपटीशन बहुत है। और अभी से पढ़ना शुरू करिए, जब वैकेंसी आएगी तो अभी तो आपको 4-5 घंटे रोज पढ़ना है, और जब वैकेंसी आ जाएगी, एग्जाम डेट नज़दीक आ जाएगी, जैसे वैकेंसी आ गई फॉर्म भर दिया, और वैसे आपको क्या करना है, इस पढ़ाई को 6 से 7 घंटे लेकर जाना है। और जैसे पता चल जाए कि एग्जाम 1 महीने बाद होने वाला है तो फिर आपको अपनी पूरी एनर्जी बूस्ट करनी है, 10 घंटे 12 घंटे जो भी आप पढ़ सकते हो। अगर इस स्ट्रेटजी से चलोगे दोस्तों तो वाकई में मैं कहता हूं कि आपकी एक सीट कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए आपको जो है इस पढ़ाई को बहुत ही सीरियस लेना है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, और अगर आपने लापरवाही की तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, मैं आपको पहले से बता दूं। और अगर इस समस्या से बचना है तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। और मैं बता दूं कि एसएससी जीडी का जो आपका स्कोर होगा वो 70 के नीचे आपकी कहानी नहीं बनेगी। अगर आपने 70 स्कोर कर लिया तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे, और सेफ जोन के बाद आपका सिर बचेगा फिजिकल और मेडिकल। और अगर आपका फिजिकल मजबूत है तो फिजिकल तो आप निकाल ही लोगे, दौड़ भाग कर लोगे, इसके बाद मेडिकल हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हम शारीरिक फिट हैं तो ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्राकृतिक प्रॉब्लम है, बचपन से ही प्रॉब्लम है, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसका भी एक उपाय होता है कि अगर हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है तो वहां राहत मिल जाती है, और अगर मान लीजिए ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर बेटा कोई कुछ नहीं इसमें कर सकता, फिर आपको डिफेंस में नहीं जाना चाहिए। आप अगर मेडिकली फिट नहीं है तो आपको जो किसी और कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए, जहां पर मेडिकल नहीं होता है, जहां मेडिकल नहीं मांगता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो है चीजों को आगे लेकर चलना है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को। आज आप सब देख पा रहे होंगे कि मैं एसएससी जीडी का अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, और टेस्ट मतलब होता है परीक्षण, टेस्ट तो यहाँ नहीं लिखा, तो अल्फाबेट टेस्ट मतलब वर्णमाला परीक्षण। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्फाबेट की, क्या होता है अल्फाबेट और कैसे इनको जो है लेकर चलते हैं। तो आज बहुत ही शानदार तरीके से मैं 0 लेवल से शुरुआत करूंगा, और अपनी नोट्स और कॉपी, अगर आपने कभी भी कोई क्लास या कोचिंग नहीं किया है, सिर्फ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जो बच्चे कर चुके हैं ऑलरेडी, बेसिस तैयार है, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जब मैं बेस बताऊंगा, जब आपको क्वेश्चनों की तरफ लेकर चलूंगा, तब आपको मजा आएगा। तो देखो दोस्तों, आपको किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसका बेस क्लियर होना चाहिए, और जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक मजा नहीं आता है। तो पहले मकान बनने से पहले आपको नींव डालनी पड़ती है, तो मुझे पहले इस चैप्टर की नींव डालनी पड़ेगी, और जब मैं नींव डाल दूंगा तभी मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। तो चलो कमर कस लो सभी लोग, अब मैं स्टार्ट करता हूं आज की इस क्लास को, आज की इस सेशन को, और बहुत ही शानदार तरीके से। तो कॉपी और पेन लेकर दोस्तों बैठिएगा आप सभी लोग, और जो जो पॉइंट आपके होंगे उनको नोट करना है, और जो मैं बताऊंगा कि ये चीजें तैयार करनी है तो उनको तैयार करना है, और अगर बात को मानेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो मैं समाप्त कर दूंगा, और अगर बात नहीं मानेंगे, इग्नोर करेंगे, अरे सर ने बोला है तैयार कर लेंगे, तो फिर बेटा तैयार कर लीजिएगा, और तब तैयार कर लीजिएगा जब एग्जाम हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आराम से बैठ के तैयार करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा सेशन है कितना शानदार है, और इस सेशन को मैं आगे लेकर अब चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत की है अल्फ़ाबेट टेस्ट की, और बहुत ही शानदार टॉपिक होता है अल्फ़ाबेट का, और आज मैं उसी को लेकर आप सबके सामने बढ़ने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। यहाँ पर मैं बता दूँ आप सभी को, उस चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, अल्फ़ाबेट को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्णमाला, और टेस्ट मतलब क्या होता है, परीक्षण, ठीक है।
वर्णमाला परीक्षण, ठीक है, वर्णमाला परीक्षण होता है, क्या होता है, परीक्षण होता है, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। देखो वर्णमाला क्या होता है, तो आप लोगों ने बचपन से एक चीज़ सीखी होगी कि वर्णमाला का मतलब होता है ए बी सी डी, जिनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। और जैसे ही हम पढ़ाई शुरू करते हैं बचपन में, तो सबसे पहले हमको लेटर और नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, गिनती पढ़ाई जाती है। ये बात आप सबको पता है कि लेटर्स मतलब अक्षर, और अक्षर जैसे ही बात करता है लेटर की, तो हमारे जहन में आता है ए बी सी डी, जो होती है ए टू जेड। बोलो आता है कि नहीं, जैसे ही लेटर की बात करता है तो हमारे जहन में ए बी सी डी आती है, ए टू जेड आती है। और क्या होता है ए बी सी डी, देखो बचपन में आप लोगों ने याद किया होगा कि ए बी सी डी ए से जेड तक होती है, हमने याद कर लिया। और हमें ये बात बता दी जाती है कि ए बी सी डी दो पार्टों में डिवाइड है, एक वाबल में और एक कॉन्सोनेंट में। वाबल हमारे पास कितने होते हैं, 5। ए बी सी डी में टोटल अक्षर कितना होता है, 26। ये बात आप सबको पता होगा, बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि ए बी सी डी में टोटल अक्षर 26 होता है। 26 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। 26 में 5 घटा देंगे कितना बचेगा, 21। तो 5 वाबेल होता है और 26 क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। ये बात हम सबको पता है और ये चीज सीख लिया जाता। अब इसके आगे की जो कहानी है यहां पर लेकर चलना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर ए बी सी डी में 26 अक्षर होता है तो आपको कैसे पता चला होगा कि इसमें 26 अक्षर है, कैसे भाई, काउंट किया गया होगा, एक बी दो सी तीन डी चार ई पाँच, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। इसी प्रकार से जेड का नंबर क्या रहा होगा, 26। तो मतलब हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला जो परीक्षण होता है, इसमें 26 अक्षर होते हैं, वाबेल 5 होता है और कॉन्सोनेंट कितना होता है, 21 होता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई पहले हमें ये जानना होगा कि ए बी सी डी अगर हम पढ़ते हैं ए से जेड तक, तो कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, थोड़ा सा उसको आपको जो है ध्यान से समझना है। जैसे मैं आप सबको एक बात बता दूँ, ए बी सी डी जैसे हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं, जैसे प्रश्न कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवां अक्षर क्या है, या कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवां अक्षर क्या है, तो बेटा सबसे पहले आपको लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। तो कैसे हम, जैसे कहेगा कि बाएं से पांचवां और दाएं से, भाई बाएं से पांचवां हम तभी बता पाएंगे, दाएं से पांचवां तभी बता पाएंगे जब हमें पता होगा ना कि इसका क्या बायां होता है और इसका क्या दायां होता है। जीवन में एक चीज़ याद रखना आप सभी लोग, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, क्या मैंने बोला, निर्जीव वस्तुएं, जितनी भी दुनिया में निर्जीव वस्तुएं हैं उनका खुद का या स्वतः का लेफ्ट और राइट नहीं होता है, उनका खुद का या स्वतः का लेफ्ट राइट नहीं होता। जैसे मान लो आप जहां पर भी बैठे हो, ठीक है, जहां पर बैठ के वीडियो देख रहे हो, अगर मैं कह दूँ थोड़ा सा बाएं किसको, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा बाएं खिसको, तो आप किसके बाएं खिसकोगे, जहाँ पर बैठे हो, चेयर में बैठे हो, टेबल में बैठ, मतलब कहीं भी पर कुर्सी में बैठे हो, मेज में बैठे हो, तो बेटा वहाँ पर अगर बाएं खिसकना होगा तो आप अपने बाएं खिसकोगे कि जिस जहाँ पर बैठे हो उसके बाएं, चेयर कुर्सी के बाएं खिसकोगे, टेबल के बाएं खिसकोगे, अगर क्लास में बैठे हो तो भाई क्लास का बायां दायां होता है, मेज में बैठे हो तो अगर बाएं खिसकोगे तो आप अपना बायां देखोगे, भाई सीट का बायां नहीं देखोगे, आप सीट का बायां नहीं देखोगे, आप खुद के बाएं खिसकोगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीट का लेफ्ट राइट नहीं होता, वो निर्जीव है, हमारा ही लेफ्ट उसका लेफ्ट बन गया और हमारा ही राइट उसका राइट बन गया। दूसरी बात, जैसे मान लो आप कहीं किसी चौराहे से जाते हो, किसी भी चौराहे पर पहुंचते हो, तो मान लो अगर आप किसी चौराहे के लेफ्ट और राइट घूमते हो, तो आप बताओ कि आप चौराहे के लेफ्ट घूमते हो कि अपने, भाई चौराहे का तो कोई लेफ्ट राइट है नहीं, जिस दिशा से हम जाते हैं उसी दिशा के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इनका कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, इनका कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। अगर यहाँ से हम बात करें तो ये इसका क्या होता है, लेफ्ट होता है, और ये इसका क्या होता है, राइट होता है, ये इसका क्या होता है, राइट होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है, ये इसका क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। अगर वर्णमाला की जो हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं वो लेफ्ट से करते हैं, जैसे कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर क्या है, तो बायां होता है ए की तरफ से, तो बाएं से तीसरा ए बी और सी मिलेगा, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो अगर प्रश्न आपसे बाएं से तीसरा पूछ रहा है तो बाएं से तीसरा अक्षर बायां होता है ए की तरफ से, तो ए बी सी तीसरा अक्षर सी मिलेगा,
और दाएं से तीसरा पूछता है तो दायां होता है जड़ की तरफ से, तो जड़ वाई एक्स क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। तो अगर लेफ्ट से बात करेगा तो हमको समझना है एक की तरफ से बात कर रहा है, और अगर राइट से बात करेगा तो आपको समझना है कि जड़ की तरफ से बात कर रहा है। इतनी बातें आपको ध्यान देना है कि अगर आपका जो है लेफ्ट से बात करेगा तो आपको जो है एक की तरफ से बात करेगा, और अगर जड़ की तरफ से बात करेगा तो आपको राइट से बात करेगा। अगर कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो तुरंत हिट करना चाहिए बायां मतलब एक ही तरफ से। कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो तुरंत हिट करना चाहिए कि दाएं मतलब किधर से होता है, जड़ से। ठीक है, तो ये होता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इसका निर्धारण नहीं करते हैं तो फिर सही से चीज़ें हो नहीं पाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बायां क्या होता है, दायां क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों आपको कुछ चीज़ें और हैं जिनको आपको सीखना है, थोड़ा सा उनकी बात कर लेते हैं कि कैसे इनको सीखना है। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ए से कहाँ तक होती है, बी तक होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर हम सब बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करें तो कैसे चलेंगे, जैसे ए से शुरू करते हैं, ए होता है बाय की तरफ से, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमने आपकी वो अंग्रेजी वर्णमाला पूरी लिख दी। देख पा रहे होंगे सभी लोग कि वर्णमाला पूरी हमने लिख लिया। अब इस वर्णमाला का आधार मानकर हमको प्रश्नों को बनाना है। हमें पता है कि लेफ्ट होता है ए की तरफ से और राइट होता है जेड की तरफ से, तो बाएं से पहला अक्षर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इसका नंबर एक होगा, इसका दो, इसका तीन, इसका चार, इसका पाँच, इसका छः, इसका सात, इसका आठ, इसका नौ, इसका दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस और छब्बीस। पच्चीस और छब्बीस। तो हर अक्षर का अपना एक नंबर होता है, और अगर अब प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर क्या है, तो बाएं से तीसरा नंबर है सी का। बाएं से आठवां अक्षर क्या है, तो बाएं से आठवां नंबर है एच का। बाएं से सोलहवां अक्षर क्या है, तो बाएं से सोलह नंबर है पी का। बाएं से उन्नीसवां अक्षर क्या है, तो बाएं से उन्नीसवां अक्षर है एस। कहता है बाएं से बाईसवां तेईसवां अक्षर क्या है, तो है डब्ल्यू। बाएं से पच्चीसवां अक्षर क्या है, तो वाई। मतलब मेरा कहने का ये है कि हर अक्षर का अपना एक नंबर मिल गया, हर अक्षर का अपना एक नंबर मिल गया। तो यहाँ पर हर अक्षर का एक नंबर होता है, ये हमने बात की कहाँ से, लेफ्ट से, है ना। तो बाएं से हर अक्षर का एक नंबर दे दिया। अब एक बात बताओ भाई, अगर मान लो आपको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मान लो आप सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, अगर आपका प्रारंभ से कोई नंबर है बेटा तो अंत से भी तो कोई ना कोई नंबर होगा। अगर आपका प्रारंभ से कोई नंबर है तो अंत से भी तो आपका कोई ना कोई नंबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा प्रारंभ से कोई नंबर है तो अंत से भी हमारा कोई नंबर होगा। तो अगर ये प्रारंभ से नंबर चल रहा है, तो ध्यान से हम इसको समझें, तो अगर प्रारंभ से ए पहले नंबर पर है और जड़ अंत से 26वें नंबर पर है, तो अगर राइट से अगर काउंट करना शुरू करें तो जड़ का नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जड़ का नंबर क्या होगा, एक। y का होगा दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस और छब्बीस। ये हो गया पच्चीस और छब्बीस। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमने एक बार लेफ्ट से नंबर लिख लिया और एक बार राइट से। ये जो नंबरिंग आपकी है ये लेफ्ट से है, बता दूँ, और ये जो नंबरिंग आपकी है, ये जो नंबरिंग आपकी है ये कहाँ से है, राइट से है। ये कहाँ से है,
राइट से है, ठीक है, ये बातें मैंने आपको बता दी। लेकिन आपको अंतर समझना होगा, अगर कहता है कि बाएं से आठवां अक्षर क्या है तो बाएं से आठवां अक्षर एच मिलेगा, और अगर कहता है कि दाएं से आठवां अक्षर क्या है तो दाएं से आठवां अक्षर एस मिलेगा। बोलो अंतर है कि नहीं? ये नहीं कि बाएं से आठवां अक्षर कहता है तब भी आप एच बताओ और दाएं से आठवां अक्षर कहता है तब भी आप एच बताओ, तो बोलो बात गलत हो गई कि नहीं हो गई, बात गलत हो गई कि नहीं हो गई। तो आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा कि प्रश्न में बाएं अक्षर की बात कर रहा है कि दाएं से अक्षर की बात कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, लड़के सब ज़्यादा गलती यही करते हैं कि बाएं से पूछ रहा है कि दाएं से पूछ रहा है। अगर बाएं से पूछ रहा होगा तो एक ही तरफ से बताएंगे, और अगर दाएं से पूछ रहा होगा तो जड़ की तरफ से बताएंगे। ये दो बातें आपको दिमाग पर फिट कर लेनी है और इनको जो है याद रखना है। अगर यहाँ से चीज़ें की अगर गलतियाँ हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर बाएं से ए का नंबर है एक और दाएं से जड़ का नंबर है, ए का नंबर है 26, तो एक और 26 27। बाएं से बी का नंबर दो और दाएं से बी का नंबर है 25, तो 25 और दो 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27, 21 6 27, मतलब सबका योगफल 27 मिला। जब बाएं और दाएं के मान को जोड़, भाई एक अक्षर का दो मान होता है, एक बाएं से और एक दाएं से, एक अक्षर का दो मान होता है, एक बाएं से और एक दाएं से। भाई अगर एक पंक्ति में आप खड़े हो तो अगर प्रारंभ से आपका कोई नंबर है तो आप ही का अंत से भी तो कोई नंबर होगा, तो इसका मतलब आपके दो प्लेस वैल्यू हो गई, एक प्रारंभ से और एक अंत से। बोलो होगा कि नहीं होगा? वही काम यहाँ पर भी है कि अगर ई का नंबर प्रारंभ से पाँचवा है तो ई का नंबर अंत से 22वां है, तो ई का नंबर दो है, एक प्रारंभ से और एक अंत से, मतलब एक लेफ्ट से और एक राइट से। समझ में आ रही बात कि नहीं? एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो यहां पर हमने इसको देख लिया, तो ए का प्रारंभ से नंबर हो गया, ए का लेफ्ट से नंबर हो गया पहला, और इसका जो है राइट से नंबर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमें ध्यान देना। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जब लेफ्ट और राइट का मान अगर हम जोड़ें, तो जैसे लेफ्ट और राइट का अगर हम मान जोड़ें तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना होता है 27, यहां पर 20 है और 16 17 18 19, ठीक है, ये था क्लियर। तो अगर हम लेफ्ट और राइट की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल होता है वो 27 होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर लेफ्ट और राइट के मान को अगर हम जोड़ दें तो इनका जो योगफल होगा वो क्या होगा? 27 होगा। समझ में आई बात? अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो इनका जो योगफल होगा वो कितना होगा? 27। कैसे? मान लो जैसे भाई ए का नंबर ए से प्रारंभ से 22वां और अंत से राइट से 26वां, तो लेफ्ट और राइट बराबर कितना हो गया? 27 हो गया। किसी की भी वैल्यू को जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा। अब यहाँ से फ़ायदा क्या मिलेगा, इस फार्मूले का फ़ायदा क्या मिलेगा? अब इस फार्मूले का फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको सिर्फ एक तरफ से नंबर याद करना है, दोनों तरफ से याद नहीं करना। आप किधर से याद करोगे? सीधा 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 हमारी ये भी सीढ़ी ए से होती कि ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, ई का पाँच, एफ का छः। भाई अगर ए का कोई नंबर प्रारंभ से है, लेफ्ट से है, तो अंत से भी कोई होगा, होगा कि नहीं होगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको याद है कि प्रारंभ से लेफ्ट से ई का नंबर है 5, लेफ्ट से ई का नंबर है 5, लेकिन आपको अंत से नहीं पता ई का नंबर 5। अगर मैं कह दूं कि ई, भाई ई का नंबर पांचवा पता है कि पांचवें नंबर पर ई आएगा, लेकिन अगर राइट से इसी का नंबर पूछ दे कि दाएं से 22वां अक्षर क्या होगा, अगर प्रश्न पूछ दे कि दाएं से मतलब राइट साइड से 22वां अक्षर क्या होगा, आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे? इस राइट के मान को यहां पर रख दोगे और 27 में घटा लोगे। तो जब राइट के मान को यहां रखेंगे तो राइट के मान को जब यहां रखेंगे तो 27 में घटेगा, ये उधर पक्षांतर होगा, तो हम क्या करेंगे? 27 में 22 को घटा देंगे तो बचेगा 5, और जब 5 बचेगा तो वैल्यू कहां से आ जाएगी? लेफ्ट 5, और बाएं से पांचवा अक्षर क्या होता है? ई होता है। मतलब ई का दो नंबर होता है, एक राइट से 22वां और लेफ्ट से 5वां। राइट से 22वां, राइट से मतलब दाएं से 22वें नंबर पर भी ई मिलेगा और बाएं से 5वें नंबर पर भी ई मिलेगा। मतलब ये वाली बात और ये वाली बात दोनों एक क्या है? एक है। तो इधर से तो हमको याद होगा लेफ्ट से 5वां, लेकिन राइट से 22वां हमको याद नहीं होगा। हम क्या करेंगे कि जब वैल्यू कोई राइट से पूछेगा तो उसको 27 में घटाने के बाद लेफ्ट में ले आएंगे, 27 में घटाने के बाद लेफ्ट में ले आएंगे। जैसे मान लो दसवें की बात करें कि प्रारंभ से बाएं से 10वां अक्षर क्या है, तो आपको पता है 10वां अक्षर जे होता है। मान लो प्रारंभ से 10वां अक्षर आपको जे होता है, लेकिन आपको अंत से दाएं से 17वां अक्षर पूछे तो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। भाई अगर राइट से 17वें नंबर पर कोई अक्षर है तो लेफ्ट से भी इसका कोई ना कोई स्थान होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? 27 में घटाएंगे, 27 में हम 17 घटाएंगे। तो अगर हम 27 में 17 घटा दें
अगर हम 27 में 17 घटा दें, 7 में 7 गया 0, 10 बचेगा। अब ये राइट कमांड लेफ्ट में 10 और लेफ्ट 10 क्या होता है जे हमें पता है, ठीक है। तो राइट से 17वां अक्षर क्या होगा, जे होगा, लेकिन ये पता नहीं था, तो हमें अपनी आसानी के लिए इस राइट के मान को 27 से घटाकर लेफ्ट में ले आए और लेफ्ट से हमको वैल्यू क्या होगी याद होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं आप सबको समझाना चाह रहा था वो बात आप तक पहुँच पाई होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि लेफ्ट और राइट का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 27 होता है। तो एक अक्षर की दो प्लेस वैल्यू होती है, एक लेफ्ट से और एक किधर से होती है, राइट से। एक अक्षर की दो प्लेस वैल्यू, एक लेफ्ट से और एक राइट से। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आपको जो है करना है, तो एक लेफ्ट और राइट से एक अक्षर की प्लेस वैल्यू होती है। इसको आपकी अपनी कॉपी में बनाना है। अगर आप नोट्स बना रहे हो, विधिवत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे अच्छे चैनल पर आप आ गए हो। विश्वास करिए कि आपको जो वो चीज मैं दूंगा जो आपको वाकई में चाहिए होगा, और एक बार ईमानदारी से पढ़ लोगे तो रीजनिंग दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठो, डोंट वरी, आपको जो है मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें मैं आप सबके सामने लेकर आऊँ, ठीक है। चलिए, ये बात आपको जो है क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना, बोलो भाई। तो ए से जेड तक ए बी सी डी लिखना है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखना है, इस फार्मूले को लिखना है, इतना आपको लिखना है। ये लेफ्ट से होता है, वो राइट से होता है, बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं लिखने वाली नहीं है, ये समझने वाली बात थी, और आगे भी इनका जिक्र मैं बार बार करूंगा, क्योंकि जो राइट की मान को लेफ्ट में कन्वर्ट करवाना, ये जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो बार बार आपके सामने आएंगे, और बार बार दोस्तों आपको इनको करना पड़ेगा, और हमारे आपके पास कोई रास्ता नहीं है भाई। जो रूल और रेगुलेशन और नियम हैं उनको हमें मानना ही पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसको बनाओ जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे बाद में बना लेना, चाहे वीडियो को रोक के बना लेना, वो आपको करना है, कैसे आप माइंड हैंडल करते हो आपको करना है, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। अब अगले पॉइंट में मैं आपको लेकर चलता हूं। अब इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू को याद कैसे करना है, थोड़ा सा उनकी बात कर लेते हैं कि याद कैसे करेंगे। याद करने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं, उनको आपको उसी के अकॉर्डिंग याद करना है, और इसके बाद फिर चलेंगे थोड़ा सा दूसरे पॉइंट में। ये तो हो नहीं पाया, और छोटा लिखते हैं, छोटा लिखते हैं। आइए समझते, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं। अब यहाँ से बेटा, अब ए से जेड तक मैंने अक्षर लिखा और इनकी सबकी प्लेस वैल्यू भी लिख दिया। इतनी बात आप सब लोग देख चुके होंगे कि मैं क्या लिख रहा था और क्या कर रहा था। अब इसके बाद मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि इनको आपको याद कैसे करना है, लर्न कैसे करना है, थोड़ा सा उसको आपको जो है समझना है। तो दोस्तों अगर यहाँ से देखें तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको ई को बाहर निकालना है, यहाँ से आपको E को बाहर निकालना है, E को बाहर निकालना है, यहाँ से आपको J को बाहर निकालना है, यहाँ से आपको O को बाहर निकालना है,
यहाँ से आपको टी को बाहर निकालना है और यहाँ से आपको वाई को बाहर निकालना है। निकाल लिया हमने। अब ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। बोलो होती है कि नहीं, हमने निकाल लिया। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो मैंने अक्षर ऊपर से निकाला है वो अक्षर 5-5 के डिफरेंस पे हैं, 5, 10, 15, 20 और 25, 5, 10, 15, 20 और 25। बोलो दिख रहा है कि नहीं। अब जो अक्षर हमने निकाला इसको हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा बहुत से बच्चों को कि इसको हम लोग पढ़ते हैं ई जोटी। क्या पढ़ते हैं? ई जोटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई जोटी। तो ई जोटी, जो ई जोटी हमने निकाला ये 5, 10, 15, 20 और 25 के डिफरेंस पे हमने क्या निकाला? अक्षरों को बाहर निकाला। अब इनको निकालने का उद्देश्य क्या है? देखो इनका उद्देश्य क्या है, अगर इजोटी को आप याद कर लेते हो कि इजोटी जो हमारी है वो 5, 10, 15, 20 और 25 में चलती है, ठीक है। ये बात आपको अगर याद है कि इजोटी 5, 10, 15, 20 और 25 में चलती है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि मान लो अगर ई की प्लेस वैल्यू आपको याद है कि ई का 5 होता है तो ए बी सी डी तो आपको बढ़िया से याद ही होगा। अगर ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, आसानी से बता पाओगे। अगर ई 5 है तो एफ कितना होगा, 6, तो आगे का अक्षर कवर होगा। अगर ई 5 है तो ई से पहले डी आता है तो डी का अक्षर कितना होगा, 4, प्लेस वैल्यू 4 होगा, आसानी से कवर होगा। अगर जे की प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो जे की प्लेस वैल्यू अगर 10 है तो जे के बाद आता है के, तो के की प्लेस वैल्यू कितना होगा, 11, आसानी से आप याद कर सकते हो। अगर जे की 10 है तो जे से पहले आई आता है, तो अगर जे 10 है तो आई का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 9, आगे और पीछे का नंबर आप आसानी से बैकअप कर सकते हो अगर ए बी सी डी आपको बढ़िया से याद है तो। और ये याद होगा ही क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हो रहे। अब O की प्लेस वैल्यू की बात करें, अगर O की प्लेस वैल्यू 15 है तो O के आगे आता है P और P का प्लेस वैल्यू होगा 16, O से पहले आता है N, तो अगर O 15 है तो N कितना होगा, 14। क्लियर, ये भी बात क्लियर हो जाएगी। अब T की प्लेस वैल्यू की बात करें, अगर T 20 है तो T के बाद आता है U, U 21 हो जाएगा और U और T से पहले आता है S, तो S की कितना होगा, 19 होगा। इसी प्रकार से Y की बात करें तो Y की वैल्यू अगर आपको याद है तो Y से पहले आता है X, तो अगर Y 25 है तो X 24 होगा और Z तो आपको वैसे भी याद होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है मदद मिल जाएगी। तो देखो दोस्तों भाई, देखो ए बी सी आपको याद करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई तक तो आराम से आप कप में ले आओगे। ए बी सी डी ई 1, 2, 3, 4, 5 आसानी से याद होगा। एक्स वाई जेड उधर से 24, 25, 26 भी आसानी से याद होगा। बीच में इजोटी आपका जो है 5 अक्षर आसानी से याद होगे। अगर इजोटी आप याद कर लेते हो तो इसके आगे का और पीछे का अक्षर भी आपको आसानी से क्या करेगा, याद हो जाएगा। बोलो इतना कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो? नहीं बेटा, करना ही पड़ेगा। अगर वाकई में आप नौकरी लेना चाहते हो, तैयारी अच्छी करना चाहते हो, तो छोटे छोटे काम आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे चलकर क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ये बात आपको जो है ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमने इतनी बात कर लिया, तो ई जोटी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ई जोटी हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब एक रास्ता और, तो 5-5 के डिफरेंस पे हमने सारे अक्षरों को क्या किया था, बाहर निकाला था। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से कुछ और चलते हैं, कुछ और करने का प्रयास करते हैं। क्या करने का प्रयास करते हैं, देखो समझो, यहाँ से हम सी को बाहर निकालेंगे, यहाँ से हम सी को बाहर निकालेंगे, यहाँ से हम एफ को बाहर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से हम आई को बाहर निकालेंगे, यहाँ से L को बाहर निकालेंगे, यहाँ से O को बाहर निकालेंगे, यहाँ से R को बाहर निकालेंगे, किसको, R को, ठीक है, R के बाद यहाँ से U को बाहर निकालेंगे, U को, और फिर यहाँ से हम X को बाहर निकालेंगे, किसको, X को बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, F की 6 होती है, I की 9 होती है, L की 12 होती है, O की 15 होती है, R की 18 होती है, U की 21 होती है और X की कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, तो यहाँ पर सबकी हमने प्लेस वैल्यू लिख लिया। ऊपर आप सब देख पा रहे हो कि जो भी हमने अक्षर निकाला था वो 5-5 के डिफरेंस पे हमने निकाला था, 5, 10, 15, 20 और 25 पर। लेकिन ये जो मैंने अक्षर निकाला 3, 6, 9, 12, 15, 3 × 6, 3 × 3, 9, 3 × 12, 3 × 25, 15, 3 × 18, 24, मतलब 3-3 के डिफरेंस पे हमने क्या किया, सारे अक्षरों को निकाल लिया। जैसे ई जे ओ टी वाई को इजोटी पढ़ रहे थे, तो इसको भी आपको क्या पढ़ना है, सी एफ को क्या पढ़ना है, तो सी एफ आई L O R U X, यही है C F I L O R U X। तो इसको आपको क्या पढ़ना है, C को अलग पढ़ना है, ध्यान से सुनना, C
इसको पढ़ेंगे फिलोरक्स, क्या पढ़ेंगे सी फिलोरक्स, सी फिलोरक्स, सी फिलोरक्स, ठीक है। और जो सी फिलोरक्स होगा वो आपका तीन तीन के डिफरेंस पे जाएगा, और जो इजोटी था आपका वो पाँच पाँच के डिफरेंस पे जा रहा था, जो इजोटी था आपका वो पाँच पाँच के डिफरेंस पे जा रहा था, और जो सी फिलोरक्स है वो आपका तीन तीन के डिफरेंस पे जा रहा है। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। अब इसके बाद हमें क्या समझना है, तो इजोटी हो गया और सी फिलो रक्स हो गया, क्लियर। तो सी फिलो रक्स ये तीन तीन के डिफरेंस पे, और इजोटी जो है पांच पांच के डिफरेंस पे जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको जो है ध्यान देना है, क्लियर। आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में थोड़ा सा इतनी सी बात आपको ध्यान दे, देखो यहां से अगर ध्यान देखें तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ अक्षर इसके हो गए, एक दो तीन चार पाँच, आठ और पाँच तेरह। अगर आप इतना ही याद कर लेते हो तो तेरह अक्षर तो आपको वैसे भी याद हो गया, तेरह दुनाई छब्बीस, आधा छब्बीस अक्षर होता है, तेरह का आधा छब्बीस का आधा तेरह, तेरह तो आपको वैसे याद हो गया। ए बी सी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, एक्स वाई जेड आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों अगर आप इस पर काम कर लेते हो, अगर इस पर काम कर लेते हो इजोटी पे और सी फ्लोरक्स पर, तो वैसे भी आपको जो है मान लो आपको जो है 80% अक्षरों की प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन काम करेंगे तब, अगर मनन करेंगे तब, आधे घंटे लेकर बैठेंगे तब, अगर आधे घंटे भी लेकर बैठ गए तो ये समझिए आधे घंटे की मेहनत आगे आपको पाँच चार पाँच नंबर दिला सकती है। मैं आपको पहले से बता दूँ क्योंकि अल्फाबेट का जो यूज है, रीजनिंग जो हमारी है, कम से कम जो है 25-30% रीजनिंग आपकी जो है अल्फाबेट पर ही डिपेंड होती है, अक्षरों पर ही डिपेंड होती है। और अगर अक्षरों की अगर कंडीशन हमको अच्छे से नहीं पता, प्लेस वैल्यू अच्छे से नहीं याद है, तो आगे आपको क्वेश्चन कर तो लोगे लेकिन आपको समय लगेगा। और बेटा अब ये सिचुएशन ये है कि आपको आटने के साथ साथ आपको जो है टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है, और अगर ये बेसिस तैयार नहीं करोगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे, और टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे तो आपको आता है कि नहीं आता है मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आप उतने क्वेश्चन ही नहीं एग्जाम में अटेंड कर पाओगे, तो फिर आप उसी श्रेणी में चले जाओगे जिनको नहीं आता। भाई वो कर नहीं पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं तो समय ले रहे हो, कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी जो हैं चलती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से आपको बता दिया कि इनकी प्लेस वैल्यू को कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है, ठीक है। तो ये बात आपकी सबकी बढ़िया से क्लियर हो गई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले पॉइंट पर, ठीक। तो अब इसके बाद अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद हो गई, अक्षरों की कैसे सिचुएशन बनती है, लेफ्ट और राइट क्या होता है, मैंने ये भी आपको बता दिया। इसके बाद आपको जो है मैंने बताया कि जो है अक्षरों की पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपोजिट लेटर में, अगले पॉइंट में। तो अगली जो हेडिंग बेटा आपको डालना है वो डालना है अपोजिट लेटर, क्या डालना है अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर, ठीक है, अपोजिट लेटर। तो आइए थोड़ा समझते हैं क्या होता है अपोजिट लेटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको जो है मैंने A से लेकर M तक, A B C D E F G H I J K L M तक अक्षरों को लिख लिया और इनकी नंबरिंग भी दे दी, एक दो एक से लेकर तेरह तक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तक मैंने इनकी नंबरिंग भी कर दी। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि ए बी सी डी में अक्षर कितना होता है। आप कहोगे सर 26 अक्षर होता है, ये बात तो आपको पता है, लेकिन अगर 26 को दो पार्टों में ब्रेक करें तो कितने कितने में ब्रेक होगा, बोलो 13 और 13 में ब्रेक होगा। अगर 26 को दो पार्टों में ब्रेक करें तो 13 और 13 में ब्रेक होगा, तो 13 और 13 क्या होता है 26 होता है, 13 और 13 क्या होता है 26 होता है, क्लियर है 26 होता है। अब आपको यह समझना है कि जब 26 को दो पार्टों में ब्रेक करेंगे तो 13 और 13 कितना होता है 26 होता है। इतनी बात आपको जो है समझ लिया हमने, ठीक है, इतनी बात हमने समझ लिया। तो 13 और 13 क्या होता है 26 होता है,
ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये कहना कि ए से एम तक ए बी सी डी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। भाई ए से एम तक ए बी सी डी क्या हो जाती है, मतलब एक से लेकर 13 तक में ए बी सी डी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और ये आधा जो कहलाता है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ। ध्यान से समझना मेरी बात को, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। मतलब फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, आधा का, हाफ का मतलब होता है आधा, आधा मतलब अर्धांश। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और यहाँ से अलग अलग पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में, तो प्रथम अर्धांश हमारा होता है एक से लेकर 13 तक, या कहीं ए से लेकर एम तक। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में बाएँ से तीसरा अक्षर क्या है या दाएँ से तीसरा अक्षर क्या है, तो इसका बेटा, इसका ये आपका लेफ्ट होता है, मैं आपको बता दूं, इसका ये लेफ्ट होता है और ये क्या होता है, राइट होता है। इसका ये क्या होता है, राइट होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में, तो प्रथम अर्धांश हमारा ए से एम तक होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद एम के बाद आता है एन, और एन से जड़ तक मतलब 14 से लेकर 26 तक हमारा कहलाता है सेकेंड हाफ कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंड हाफ कहलाता है, सेकेंड ऑफ, ठीक है। और ये इसका लेफ्ट होता है, एन से आपका लेफ्ट होता है और जेड से आपका क्या होता है, राइट होता है। एक बात ध्यान देना है कि आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट और आपका राइट इसका राइट, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि निर्जीव वस्तु का खुद का या स्वतः का लेफ्ट राइट नहीं होता है, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट बनता है और हमारा राइट इसका। जैसे हमारा, आप जैसे बैठे हो देख रहे हो वीडियो को, तो ये लेफ्ट हुआ, तो ये इसका लेफ्ट हुआ, इधर क्या हुआ, राइट, तो इसका क्या हुआ, राइट हुआ। समझ में आई बात कि नहीं। तो हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट और हमारा राइट इसका राइट बनता है। तो एन से हम देखेंगे तो लेफ्ट होगा और जेड से देखेंगे तो क्या होगा, राइट होगा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दाएं से तीसरा क्या होगा, तो दाएं होता है एम की तरह से, दाएं से तीसरा मिलेगा एक दो तीन, क्या मिलेगा, के मिलेगा, ठीक है। तो भाई जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होता क्या है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश होता क्या है, तो भी भाई बताना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, बताना मुश्किल कार्य है, कैसे इसको बताएं, कैसे क्या करें, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर काम को करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अंग्रेजी वर्णमाला आपकी दो हाफ में डिवाइड होती है, एक प्रथम अर्धांश में और एक द्वितीय अर्धांश में, और यहां से अलग अलग आपसे प्रश्न पूछता है, और जब प्रश्न पूछेगा तो उस सिचुएशन को मैं आगे आपसे बात करूंगा। तो आपको याद रखना है कि प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक, मतलब एक से लेकर 13 तक, और द्वितीय अर्धांश जो हमारा होता है एन से लेकर जेड तक, मतलब 14 से लेकर 26 तक, ये इसका लेफ्ट, ये राइट, इसका ये लेफ्ट और ये राइट। इसको लिख लो क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा और आगे मुझे कुछ और भी चीजें आप सबको बताना है। लिखो बेटा, इसको लिख लो जल्दी से कि फर्स्ट हाफ क्या होता है, सेकंड हाफ क्या होता है, इसको अपनी कॉपी में कहीं लिख लो। लिख लिया, ठीक है। और ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला दो हाफ में डिवाइड है, एक प्रथम अर्धांश में और एक द्वितीय अर्धांश में। प्रथम अर्धांश ए से एम तक और द्वितीय अर्धांश होता है हमारा एन से लेकर जेड तक। क्लियर। अब मैं इसको रफ करता हूं, अब चलते हैं आगे ले पॉइंट में। चलिए अब देखो, एम के बाद आएगा क्या, एन। एम के बाद क्या आएगा, एन। तो एन को मैं यहां से लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहां से लिखूंगा। तो M के बाद आएगा N, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T, और T के बाद क्या आएगा, U, V, W, X, Y, Z, ठीक है ना, ये आपका आएगा। जी ठीक है, N O P Q R S T U V W X Y Z। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, अब इनकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो N की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 14, O की 15, P की 16, Q की 17, R की 18, S की 19, T की 20, U की 21, V 21, W 23, X 24, वाई 25 और जड़ कितना होता है 26। इनकी हमने सबकी क्या लिख लिया, प्लेस वैल्यू भी लिख लिया। और ये जो मैंने एक दूसरे के
ये जो मैंने एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दिया, ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट लेटर हैं। ये बात आपको ध्यान देना है कि जो भी अक्षर एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट लेटर हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हैं, ये सब क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। ठीक, जे हो गए अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर। इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर। ठीक है, अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर इनको बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब जैसे ए का अपोजिट जेड हो गया। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि क्या ए का अपोजिट जेड होता है? क्या ये आप सबको याद करने की आवश्यकता है कि ए का अपोजिट जेड होगा? मुझे लगता है तो आप सबको याद हो गया होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको शॉर्टकट तरीके बताने वाला हूँ और उन शॉर्टकट तरीकों के माध्यम से आपको इनके अपोजिट लेटर्स को याद करना है। तो जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, तो यहाँ पर लिख लिया हमने ए का अपोजिट होता है जेड। ये बॉक्स में हमने क्या कर लिया? बंद कर लिया। ठीक है, ए का अपोजिट जेड होता है, ये बात हम सबको क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बी का अपोजिट वाई होता है, तो एक शब्द होता है बॉय। ठीक है, कुछ भी याद कर लो, डज नॉट मैटर। तो बॉय का आपका पहला लेटर और अंतिम लेटर एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट। बॉय, बी वाई, बॉय। बॉय का पहला और अंतिम लेटर एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो बी और वाई एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। इसके बाद सी और एक्स की अगर बात करें, तो आप लोग देखो एक बात देखो, जब आप मैच देखते हो ना, तो जब मैच देखते हो तो बोलते हो सिक्स लग गया, सिक्स मतलब छक्का लग गया ना, तो एस एक्स। अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, सिक्स को सी आई एक्स लग दूं, तो आप क्या पढ़ोगे? इसको सिक्स ही तो पढ़ोगे, और तो कुछ पढ़ नहीं सकते। तो सी और एक्स एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। तो यहाँ पर सी आई एक्स, सी आई एक्स सिक्स एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, सी आई एक्स। या तो मैं एक बात और बता दूं, आप लोग आजकल जो फोटो कॉपी कराने जाते हो, तो आजकल आप लोग बोलते हो जीराक्स कर दो भैया, जीराक्स कॉपी कर दो, मतलब फोटो कॉपी कर दो। तो एक्स और सी या सी और एक्स एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट। जीराक्स का पहला लेटर और कॉपी का पहला लेटर एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। बोलो याद है कि नहीं याद है? याद हो जाएगा, इन शब्दों को याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो x और c एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, जीरोक्स कॉपी। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। तो c और x हो गया। अब बोलते हैं d और w। गर्मी चली रही है और गर्मी के सेशन पर, सीजन पर आप लोग क्या करते हो? कोल्ड ड्रिंक पीते हो। पीते हो कि नहीं पीते हो? सभी लोग पीते हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन d और w से एक कोल्ड ड्रिंक का नाम आता है, याद आता है आप सबको। आप लोग एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो जिसका नाम है ड्यू। बोलो पीते हो कि नहीं? डी कोल्ड ड्रिंक आती है कि नहीं? तो डी और डब्ल्यू एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। तो डी और डब्ल्यू एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट। डी से डब्ल्यू और ये हो गया आपका अपोजिट। ठीक है, डी और डब्ल्यू एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। क्लियर, तो ये बात आप सबको बढ़िया से याद हो गई होगी कि डी और डब्ल्यू एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। क्लियर ये बात। वैसे देखो डी मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए, डी को हिंदी क्या होती है? डी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलिए, ड्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ड्यू को हिंदी में बोलते हैं, आप लोग बोलते हो ना कि इस समय बहुत ड्यू गिर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ओस गिर रही है। ठंडियों में ड्यू बोलते हैं लोग आमतौर की भाषा में, पता था लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा होगा। ड्यू मतलब होता है ओस, ड्यू बोलते हैं ना कि बहुत ड्यू गिरी है भाई, ड्यू मतलब ओस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब F और U की बात करते हैं, तो F और U को याद करने के लिए आपको U का अपोजिट F होता है, U का अपोजिट F होता है, ये बात आप याद कर लो। और एक शब्द जब आप थक जाते हो तो एक आह निकलती उफ, बोलो निकलता है कि नहीं? उफ, जब आप थक जाते हो तो एक आह निकलती उफ, तो उफ शब्द से इसको याद कर लेना है, उफ। ठीक है, हिंदी मैंने लिख दिया है, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, ना दिख रहा हो तो उफ अपने मन से लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं उफ। ठीक है, उफ शब्द से आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, तो यू का अपोजिट एफ हो गया, और या कहें एफ का अपोजिट यू हो गया, दोनों तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है? याद करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जी और टी में।
अब देखो दोस्तों, जब आप लोग गांव से जाते हो, कहीं शहर की ओर जाते हो, कहीं कुछ काम से शहर जाते हो, कुछ भी कोई भी शहर आसपास के दूर जाते हो, तो आप क्या कहते हो, भैया अभी जो है, अब गांव घर में वैसे भी निकलो तो रास्ता होता है ख़राब, ज़्यादातर रास्ता ख़राब मिलते हैं, जब मेन रोड पे आप पहुँचते हो तभी, तो हम कहते हैं कि भैया अभी हम चल रहे हैं भैया, और आगे जब आप पहुँचोगे ना जीटी रोड पर, जब आप जीटी रोड पर पहुँचोगे तभी रास्ता सही मिलेगा। जी और टी एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट। जी और टी एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होता है। जी टी रोड, जी टी रोड का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड टैंक रोड। ये बात आपको पता होगी कि जी टी रोड का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड टैंक रोड, और इसको किसने बनाया था, शेर शाह सूरी ने, और ये भारत की सबसे लंबी बड़ी रोड है, ये आपको भी पता, क्योंकि जीएस में भी यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ी रोड जी टी रोड और किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने, इसका नाम है ग्रैंड टैंक रोड, ठीक, जी टी रोड, क्लियर। तो यहाँ से हमने जी और टी की बात कर ली, अब इसके बाद बात करते हैं कि जी का अपोजिट टी होता है और टी का अपोजिट जी होता है, ये बात हमने जान लिया। इसके बाद अब बात करते हैं एच और एस की, ठीक है, एच और एस की। आप लोगों ने, सभी लोगों ने पास आउट किया है, पास आउट किया है, एच से क्या पास किया है, हाई, एस से क्या पास किया, हाई, और एस से क्या पास किया है, स्कूल, एच से और स्कूल, हाई स्कूल, एच और एस, हाई का पहला लेटर और स्कूल का पहला लेटर एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। एच का पहला लेटर और स्कूल का पहला लेटर एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, हाई स्कूल, क्लियर। इतना हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आई और आर, आई से क्या होगा, आई से होगा इंडियन और आर से होगा रेलवे। भैया जब आप लोग जाते हो, कहीं आपको जाना है, मान लो कहीं बहुत दूर शहर में जाना है, मान लो आपको पुदुचेरी जाना है, पांडिचेरी जाना है, पोर्ट ब्लेयर जाना है, तो आप किससे जाओगे, फ्लाइट से, फ्लाइट से जाने का मन तो कर रहा होगा लेकिन पैसे नहीं, भाई बेरोजगार हो, पैसे नहीं कमाओगे तब जाओगे, है ना, तो किससे जाओगे, तो सबसे अच्छा रास्ता आपके पास है ट्रेन, और ट्रेन किसका हिस्सा है, इंडियन रेलवे का, ट्रेन किसका हिस्सा है, इंडियन रेलवे का। तो आई से आर और आई और आर, आई से इंडियन और आर से रेलवे, इंडियन रेलवे, आई और आर एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, इंडियन रेलवे एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, क्लियर। अब आ जाओ जे और क्यू में, अब आ जाओ जे और क्यू में, ठीक है। जब जे और क्यू में आओगे, यहाँ पर जे से क्या बनेगा, जे से क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ई और वी को हमने छोड़ा था, यहाँ पर ई और वी को छोड़ा था, तो यहाँ पर मैं अभी बता दूंगा कि ई और वी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ से देखो जे और क्यू हो गए, अब जे और क्यू की बात करते हैं, तो जे और क्यू को अगर बात करें तो जे से होता है जोकर, जे से क्या होता है, जोकर, जे ए जोकर, और क्यू से होता है क्यून, क्यू से होता है क्यून। तो जे और क्यू एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, तो जे और क्यू एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, जोकर क्यून, क्लियर है ना, जोकर क्यून, जे और क्यू एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, जोकर क्यून, ठीक है। तो जोकर क्यून आपका यहाँ पर मिल गया, तो जे और क्यू एक दूसरे का अपोजिट, जोकर और क्यून मिलता कहाँ है भाई, ताश के 52 पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड जिसको बोलते हैं, वहाँ जोकर भी होता है और क्यून भी होती है, बोलो होता है कि नहीं। तो जोकर क्यून, जे और क्यू से हम इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो जे और क्यू का, जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे। अब आते हैं के और पे में, तो भैया आप याद करो आमिर खान को, आमिर खान ने एक मूवी बनाया था जिसमें एलियन बना था, रेडियो लेकर घूम रहा था, उस पिक्चर का नाम क्या है, उस पिक्चर का नाम है पी के, उस पिक्चर का नाम है पी के, बोलो याद है कि नहीं याद है। तो पी के शब्द से आप इसको याद कर सकते हो, पी के शब्द से आप इसको याद कर सकते हो, और भी अगर दिमाग में अगर कोई आ रहा होगा तो आप उससे भी याद कर सकते हो, पी के, ठीक है ना, पी के शब्द, एक मूवी आई थी और पी के शब्द से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद L और O की बात करें, तो एक शब्द होता है लव, L O V E, इससे तो सभी लोग परिचित होंगे, बढ़िया से परिचित होंगे, है ना, और कहीं ना कहीं यूज करने का मौका भी मिला होगा। तो L O V E की अगर बात करें, तो ध्यान से अगर देखें तो देखो बेटा लव को बीच से पार्टीशन कर दो, तो देखो L का अपोजिट O हो गया, L का अपोजिट O हो गया, और V का अपोजिट E हो गया। तो यहाँ मैंने नहीं बताया था E और V छूट गया था, तो E और V होता है अपोजिट, तो V का अपोजिट E या E का अपोजिट V, लव शब्द से हमको चार अक्षर मिलेगा, L का अपोजिट O और V का अपोजिट क्या होता है, E होता है। तो यहाँ से हमको लव शब्द से क्या करने का, याद करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो लव शब्द से हम इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर होता है M और N, देखो M N आस पास हैं, M N क्या है, आस पास हैं, और यहीं से अर्धांशों का बंटवारा भी तो होता है, प्रथम अर्धांश A से M तक और द्वितीय अर्धांश N से Z तक, तो यहाँ पर इनका बंटवारा भी हो गया। तो M और N एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। मुझे लगता नहीं कि इसको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे माइन शब्द से इसको हम बना सकते हैं, लेकिन जब जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ हम फालतू में दिमाग नहीं खा पाएंगे,
एम एन आसपास हैं, बस दिमाग में एक बार पढ़ लिया, जोड़ दे दिया, याद हो गया। जैसे ए का जड़ हो गया तो एम का एन हो गया, एम एन एम एन, क्लियर है ना। तो एम और एन एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, और यहीं से अर्धांश बट जाते हैं, एक प्रथम अर्धांश और दूसरा द्वितीय अर्धांश में, क्लियर ना। तो M और N यहाँ से हमने देख लिया, तो ये हमारे हो गए क्या, अपोजिट लेटर, क्या हो गए, अपोजिट लेटर हो गए। अब दोस्तों एक बात मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि दो विपरीत अक्षरों का जो योगफल होगा, देखो इसका विपरीत अक्षर A और Z है, तो अपोजिट लेटरों का योगफल देखो 26 एक 27 25 दो 27 24 तीन 27 23 चार 27 21 पाँच 27 26 छः 27 हो गया कि नहीं। इसका तो प्लेस वैल्यू 22 होता है भाई, 21 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा हुआ नज़र चली गई है ना, तो यहाँ पर 22 होता है, ठीक है, यहाँ पर 22 होता है, ठीक है ना। तो 22 और 5 27, 21 और 6 27, 20 27 27, ठीक है ना। तो दो विपरीत अक्षरों का योगफल सदैव साथ होता है, ये आपको याद रखना है कि दो विपरीत अक्षरों का योगफल सदैव साथ होता है, अगर उनका योगफल सॉरी साथ नहीं 27 होता है, दो विपरीत अक्षरों का योगफल सदैव क्या होता है, 27 होता है। देखो 26 एक 27, 25 दो 27, 24 तीन 27, 23 चार 27, 22 5 27, 21 6 27, किसी को भी हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल 27 मिलता है। अगर उन अक्षरों का योगफल 27 नहीं मिल रहा है तो फिर वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको दिमाग पे फीड कर लेना है, आप गलत हो आपको दूसरा अक्षर सर्च करने की फिर आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया अगर अल्फाबेट के बारे में पूरा जो बेसिक चीजें हैं, और ये एक आपकी न्यू है, अगर दोस्तों इसको बढ़िया से तैयार नहीं करेंगे तो आगे आपको समस्या उत्पन्न होगी, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर चीजें ये चीजें डिस्टर्ब हुई हैं, इसलिए इनको एक बार बढ़िया से आप सबको क्या करना है, तैयार करना है। तो मैंने आपको सबको बता दिया कि अपोजिट लेटर क्या होता है, अक्षरों की प्लेस वैल्यू क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, अर्धांश क्या होते हैं, फर्स्ट हाफ क्या होता है, सेकंड क्या हाफ होता है। तो मैंने विधिवत तरीके से आपको बताने का प्रयास किया कैसे याद करना है, अपोजिट लेटर्स को कैसे याद करना है, देखो इनको भी याद करना, दो चीज़ें याद करनी है आपको, अक्षरों की अपोजिट लेटर जो आपके सामने लिखा है, और इसके बाद दूसरी अक्षरों की प्लेस वैल्यू जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों चीज़ें याद करने के बाद ही आप अगली क्लास में जाएंगे, अगला वीडियो देखेंगे, नहीं तो बेटा फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको समस्या होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई वो आप लोगों ने बढ़िया सुना होगा, समझा होगा, समझ में आया होगा, और मिलता हूं आप सबसे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास आपकी इसी के आगे मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और इसके बाद कैसे प्रश्न बनते हैं। धीरे धीरे हम लोग जो है इस चैप्टर को आगाज़ हो चुका है, न्यू डाल दी है मैंने आज चैप्टर की, और बगैर न्यू डाले आगे बढ़ना ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता, मुझे तो क्या है मैं कहीं से भी पढ़ा के खड़ा कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत हो जाती आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को, और ये क्लास आपको अच्छी लगेगी और तैयार करके लोग आप बढ़िएगा, आधे घंटे बैठ जाएंगे तो चीजें तैयार हो जाएंगी और इसके बाद आप अगली क्लास में पुट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।